आपका कम्युनिकेशन सिस्टम क्लास 12th जो आपका लास्ट चैप्टर होता है नॉर्मली, उसमें स्वागत है। आज हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर, तीनों बहुत फोकस्ड और इम्पॉर्टेंट है, और पर्पज़ ये है कि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए इस टॉपिक को लेके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और क्लास 12th में डाल दिया गया है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन थोड़ा फोकस रखेंगे। और एज़ यूजल मेरा एंडेवर है आपके सब्जेक्ट को ईजी बनाना, उसको कॉम्प्लिकेट ना करना, और आम बोलचाल की भाषा में होगा, तो आपका आपका जो दिमाग है सारा और कंसंट्रेशन, जो आपके सामने स्लाइड आती है और जो मैं बोलता हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, और इसको ऑफिशियल और टीचर जैसे पढ़ाते हैं वैसे नहीं बता रहा मैं, इसको बहुत आम बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास है। और फिज़िक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग अपना मोटिवेशन खो देते हैं, और साइंस से ही उनको जो है हो जाता है कि भाई साइंस क्यों ली हमने, तो ऐसा नहीं है। फिज़िक्स एक बहुत बड़ा कांटा है जो खटकता है आँखों में, तो उसको आसान बनाना है मेरा मकसद। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहला है टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन। तो देखिए, पहले तो कम्युनिकेशन वेव सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती हैं, और दे डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। तो आप पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। हमारा पर्पज़ इस चैप्टर के अंदर ये है कि ईएम वेव ट्रैवल कैसे कैसे करती है, अलग अलग मेथड होते हैं उसके। देखिए, पहला मेथड जो है वो है आपका ग्राउंड वेव। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो होती है उसमें आप डायग्राम देख सकते हैं, उसमें आपको पिंक रंग से दिखाया गया है कि वो ज़मीन के पास है, इसको सरफेस वेव भी बोलते हैं। उसके बाद आपका आ रहा है आइनोस्फेरिक वेव, इसको स्काई वेव भी बोलते हैं। देखिए, आसमान की तरफ जा रही है और लौट के वापस आ रही है, और इसी को आइनोस्फेरिक और स्काई एक ही बात होती है। तीसरा देखिए डायरेक्ट वेव, जो बिल्कुल सीधी रॉकेट की तरह जा रही है, बीच में है, और वो जो है उसको स्पेस वेव भी बोलते हैं। ध्यान रखिए कि जो ग्राउंड वेव है उसको सरफेस वेव भी बोला जाता है, इसको आप सरफेस वेव भी बोलते हैं। और तो आपको ये टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि ये जो ग्राउंड वेव है ये सरफेस वेव भी बोली जाती है, आयनोस्फेरिक वेव को स्काई वेव भी बोला जाता है, डायरेक्ट वेव को स्पेस वेव भी बोला जा रहा है। तो आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप किताबें पढ़ेंगे उसमें बहुत टाइम तो यही कन्फ्यूजन रहता है कि स्काई, स्पेस, ग्राउंड, सरफेस, डायरेक्ट, आयोनिक, इतने सारी टर्मिनोलॉजी होती हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ रहे हैं हम। तो पहले ये क्लियर कर लीजिए कि आप सिर्फ तीन चीज़ें पढ़ रहे हैं, तीन टाइप की प्रोपोगेशंस होती हैं, और आपको नाम दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन सी हैं, उसके बाद काम आसान है। आगे बढ़ते हैं। ओके, स्काई वेव प्रोपोगेशन आपकी पहली टाइप की प्रोपोगेशन है। द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोपोगेशन यू सी इन योर चैप्टर इज द स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो आप इसको देखिए, इसमें आइनोस्फीयर से वेव टकरा के वापस आ रही है, एक एंटीना से शुरू हुई है। देखिए, ये ट्रांसमिशन वाला एंटीना है आपका, और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो, और वो जो है राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो वो आपका जो एंटीना है वो रिसीविंग एंटीना है, और रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ये। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, आप नीचे आखिरी लाइन में पढ़िए, 2 MHz to 30 MHz है। तो आपको क्वेश्चन ये आता है कि किस रेंज में स्काई वेव का प्रयोग होता है, तो 2 MHz से 30 MHz में। और इसके एग्जांपल एमेच्योर रेडियो, आप अपना रेडियो स्टेशन खोलेंगे तो इसी बैंड में आपको आना पड़ेगा, और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर जैसे BBC है इसी के अंदर होते हैं, आप याद कर सकते हैं इसको। और इसके अंदर देखिए हॉपिंग हो रही है बैक एंड फोर्थ आइनोस्फीयर और अर्थ सरफेस के ऊपर, तो वेव जाती है ऊपर फिर टकरा के वापस आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर वापस आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्काई वेव प्रोपोगेशन को समझ में आया। आगे जाइए आप, ये होता क्यों है, क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेयर है ऊपर आइनोस्फीयर, जहाँ से ये देखिए ये आइनोस्फीयर से टकरा के वापस आ रही है वेव, तो जो आपका आइनोस्फीयर होता है उसके अंदर आयंस होते हैं, और आयंस होते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आयनाइजेशन बढ़ेगी, और आयनाइजेशन बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपका कम होता है ऊपर जाएंगे तो वेव जो है वापस अर्थ की तरफ मुड़ती है, इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बोलते हैं। तो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा ही होगा, जब एक वेव दूसरे मीडियम में जाती है और फिर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है तो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वेव मुड़ जाती है। तो देखिए, यहाँ पे भी वेव मुड़ के वापस आ गई है,
और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा है। और तो आप देखिए, अगला जो प्रोपोगेशन आपको दिख रहा है ये ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन है। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के अंदर वेव जो है आपकी वो बेसिकली अर्थ के बहुत पास होती है, काफ़ी बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है ये प्रोपोगेशन। इसको ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं, अर्थ के पास से होती है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ट्यूर्स ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की जो शेप होती है उससे मिलती जुलती शेप में वेव जाती है और ट्रेवल करती है। तो ग्राउंड वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। अब देखिए ये भी दिखा रहे हैं एंटीना, एक ही एंटीना देखिए अर्थ की डायरेक्शन में सरफेस की तरफ भेज रहा है इसको ये। और ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो है देखिए इसकी जो रेंज है फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज़ होता है, ये अप टू 2 MHz यूज़ होता है। और जो आपका एम रेडियो है, आजकल कोई सुनता नहीं है लेकिन एम रेडियो जो है वो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे जाइए आप, तीसरा जो है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टाइप ऑफ प्रोपोगेशन है वो है लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। इसमें दो एंटीना है आपके, लेफ्ट साइड पे एक एंटीना है, राइट साइड पे एक एंटीना है। और ये जो है एक दूसरे से दूर रखे जाते हैं, इतनी दूर तक रखते हैं कि बस एक दूसरे को देख पाएँ, एक दूसरे को देख पाएँ। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। तो लाइन ऑफ साइट एक डिस्टेंस होता है बेसिकली, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। अगर एंटीना आपका जो है थोड़ा राइट वाला राइट की तरफ चला गया और लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ चला गया तो लाइन ऑफ साइट उनकी नहीं मेंटेन होगी और सिग्नल डायरेक्टली पहुंच नहीं पाएगा दूसरे एंटीना तक। तो हम जो है लाइन ऑफ साइट का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, और स्पेस वेव प्रोपोगेशन भी इसको बोला जाता है और लाइन ऑफ साइट भी बोला जाता है। और तो एंटीना एक दूसरे को देख पाएँ, दे शुड बी एबल टू सी ईच अदर, तब बोलेंगे हम। तो डायग्राम में जो आपको दिखाया, अगर आप देखें वहाँ अर्थ के साथ नहीं दिखाया है लाइन ऑफ साइट को, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा है। ये जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है सिग्नल एक एंटीना से दूसरे एंटीना में। और अब पढ़िए आप इसको, ये कब यूज़ होता है, ये अबव 30 MHz यूज़ होता है ये। और तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन कब यूज़ होती है, 30 MHz पे। और दो एंटीनाज इन्वॉल्व हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए आपने। इससे पहले हम इसकी मैथ्स पे जाएं लाइन ऑफ साइट की, आप एक सिंगल एंटीना का रेंज समझ लीजिए। अगर एक एंटीना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज रहा है तो कितनी दूर तक भेजेगा वो एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसकी कैलकुलेशन जो है आप देखिए, हाइट ऑफ टावर ले लिया आपने और आपने रेडियस ले लिया, और आप अगर ये मान के चलते हैं कि टावर की हाइट जो है करीब 30, 70, 100 मीटर होती है और अर्थ की जो रेडियस है दैट इज 6.4 × 10⁻⁶, तो आप ये कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो हाइट ऑफ एंटीना है 70 मीटर और 6.4 × 10⁻⁶ जो अर्थ का रेडियस है, बहुत गैप है। तो वो अगर आप बहुत छोटा मान लें हाइट ऑफ एंटीना को, तो आपका जो रेंज ऑफ ट्रांसमिशन है एंटीना की, कि एंटीना कितनी दूर तक सिग्नल दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक टाइम के बाद अर्थ जो है बेंड हो जाती है, अर्थ सर्कुलर है शेप में, आप राइट साइड पे छोटी फिगर में देख सकते हैं। और अर्थ जब बेंडिंग हो जाएगी तो सिग्नल उसके आगे नहीं जा पाएगा, वहाँ पे अटक जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो एक एंटीना कवर कर सकता है अर्थ पे बिना रुके हुए ऑब्स्ट्रक्शन के, वो है √2hr, जहाँ पे डी रिप्रेजेंट्स द एक रेंज ऑफ ट्रांसमिशन, एच रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ एंटीना, एंड आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ अर्थ। इस फिगर के अंदर कुछ खास दिखाया गया, ध्यान से देखिए। इसमें लेफ्ट साइड पे भी ट्रायंगल का है और राइट साइड में भी आपका वो लाइन ड्रॉ करा गया है, और जो रेड लाइन है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करती है जो दो एंटीना अगर आपने लगा रखे हो अर्थ के ऊपर और लाइन ऑफ साइट पे लगा रखे हो। देखिए मैं वापस लाइन ऑफ साइट पे आ गया हूँ। ऐसे एंटीना जो हैं वो आपस में कितने डिस्टेंस पे होंगे, तो ये कैलकुलेट करने के लिए फिगर बनाई है मैंने। इसमें सिर्फ अंतर यह है कि इधर एंटीना की हाइट बराबर है, जो अर्थ के अर्थ अगर ग्रीन रंग की है तो ब्लैक रंग से जो अर्थ के ऊपर का सरफेस है वो एंटीना का जो लाइन है, और रेड रंग में दिखाया गया है द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटीनास। और ये दो एंटीना बराबर हाइट के हैं इसलिए आपको ये फिगर बिल्कुल सिमेट्रिकल नज़र आ रही है। मान लीजिए एंटीना अलग अलग हाइट के हो जाएं तो क्या होगा, देखिए अलग अलग हाइट के एंटीना ऐसे नज़र आएंगे। उसमें H1 और H2 हो गए। तो आपने जो कैलकुलेशन ये करी थी, आपने कैलकुलेशन √2hr, इस ये थी रेंज ऑफ ट्रांसमिशन, उसको आपने यूज़ कर लिया है इधर रेंज ऑफ ट्रांसमिशन
या लाइन ऑफ साइट जो मैक्सिमम हो सकती है डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटीनाज, वन इज रिसीविंग वन इज सेंडिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप एक एक करके टॉपिक पढ़िए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोगेशंस पढ़िए, उनका यूज़ पढ़िए, उनके एडवांटेजेस पढ़िए, उनके डिसएडवांटेजेस ये भी पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर स्काई वेव है आइनोस्फीयर की तो उसका यूज़ क्या है। उसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि ग्राउंड वेव का यूज़ क्या है और नुकसान क्या है। हर वेव प्रोपोगेशन के अपने नुकसान भी हैं। ग्राउंड वेव का फॉर एग्जाम्पल नुकसान ये है कि वो एडी करंट्स ज़मीन में पैदा होता है और उसकी वजह से वो सिग्नल जो है लॉस हो जाता है। वो सारे कॉन्सेप्ट अभी इंजीनियरिंग में है, लेकिन आपको हाई लेवल पे पता होना चाहिए कि ईच प्रोपोगेशन टाइप हैज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और कुछ न्यूमेरिकल आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, जो आपके सामने अभी फॉर्मूला है इसके न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं, आप ये ज़रूर करिए। एक इसमें आपको एक क्वांटिटी मिसिंग होगी, एक और आपको बाकी निकालनी होगी। आपको दो एंटीना की हाइट दे रखी होंगी और मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस निकालने को बोला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप अपनी किताबों में चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। Thank you.